वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन कुकर पुलाव। ये बहुत इजीली बन जाता है क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं और काफ़ी सिंपल भी है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। कुकर चिकन पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। एंड सॉरी फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। हमारे पड़ोस में एक शादी का फंक्शन चल रहा है, उसी की वजह से ये थोड़ा सा शोर हो रहा है। तो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सूखे मसाले में आपको चाहिए 2 स्टिक है दालचीनी की, कुछ 5 लौंग है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 5 हरी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है। उसके अलावा जो आपको चाहिए होगा, 1 आलू लिया है मैंने, बड़े क्यूब्स में इसको कट कर लिया है, 1/2 कप दही है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है इसको, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 चम्मच चिकन मसाला पाउडर है। अगर आपके पास ये चिकन मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड करके 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 5 से 6 हरी इलायची है, बीच में से मैंने स्लिट कर ली है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल है, 1 ग्लास भर के ये राइस लिया है मैंने, और ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन है जो अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। राइस हमने पहले से धो के रख लिया है साइड में, और हमारा ऑयल अभी गर्म हो चुका है। इसमें हम सूखे मसाले सारे एक साथ में ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज जैसे ही थोड़ा गोल्डन होने लगता है हम उसमें ग्रीन चिलीज डाल देंगे। प्याज गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक डालने के बाद में तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे सॉटे करेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि तेल आपके सरफेस पे नहीं आ जाता। हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, देखिए तेल भी सरफेस पे आ गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारे आलू भी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक। पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के 5 मिनट बाद हम अपने राइस इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हमें
से 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखना है और फिर इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है। मैंने 2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे और अराउंड 3 विसल आने तक इसे पकाएंगे, या तो आप घड़ी के टाइम से देख सकते हैं तो 10 मिनट। 3 विसल हो चुके हैं, आइए इसे ओपन करके देख लेते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारा चिकन कुकर पुलाव। आप इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा है। अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।